हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैक्सी रिच मल्टी विटामिन सिरप के बारे में। इसको मैन्युफैक्चर करती है सिप्ला कंपनी और प्राइस की बात करें तो 200 ml सिरप के है 135 रुपये। तो दोस्तों बात करते हैं ये सिरप किस प्रकार से हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, इसको ली जाने वाली डोज क्या है और साथ ही जानेंगे इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इस सिरप में बहुत सारे विटामिन और मिनरल है, साथ ही इसमें अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो जिन लोगों में विटामिन और मिनरल की कमी है तो डॉक्टर द्वारा इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हम ऐसी डाइट को भी नहीं ले पाते हैं जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है। हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से मिनरल और विटामिन नहीं मिल पाते, तो ऐसे में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर द्वारा सप्लीमेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों जब शरीर में मिनरल और विटामिन की कमी हो जाती है तो कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो जाती है। मिनरल और विटामिन की कमी से कमजोरी और थकान की समस्या भी देखी जाती है, तो ऐसे में ये दवा कमजोरी और थकान की समस्या को दूर करती है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स है तो ये दवा भूख को भी बढ़ाती है, एनर्जी के लेवल को बढ़ाती है। ये सिर्फ बालों और स्किन के लिए भी फायदेमंद है। किसी को भी बीमारी के कारण कमजोरी की समस्या आई है तो ऐसे में ये सिरप बहुत ही फायदेमंद है। ये सिरप कमजोरी को दूर करके ताकत को बढ़ाती है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व मानसिक कमजोरी को भी दूर करते हैं। इस सिरप में पाए जाने वाले पोषक तत्व स्टेमिना को बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मैक्सी रिच सिरप की डोज क्या है। सामान्य डोज की बात करें तो इस सिरप को एक छोटा चम्मच यानी कि 5 ml लेने की सलाह दी जाती है, और अगर ज़्यादा कुपोषण की समस्या है तो फिर 10 ml लेने की सलाह भी दी जा सकती है। प्रेगनेंसी में भी मल्टीविटामिन सिरप को लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप डॉक्टर की सलाह से लें। बेहतर परिणाम के लिए आपको मल्टीविटामिन सिरप को कम से कम 1 महीने तक तो लेना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस सिरप से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे दोस्तों इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स लगभग ना के बराबर ही होते हैं, मगर बहुत ही कम लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे पेट में खराबी, भूख में कमी और स्किन संबंधी समस्या हो सकती है। अगर किसी को ये सिर्फ सूट ना करे तो लूज मोशन की समस्या भी देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम मामलों में ही होते हैं, ज़्यादातर इसकी ओवरडोज से देखे जाते हैं। इसलिए अगर आप पहले से ही कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसको नहीं लें, और इसके साथ में भी कोई सप्लीमेंट नहीं लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।